इस पे चर्चा करता हूं। तो रीत काल की अगर चर्चा देखें, रीतकालीन काव्य तो रीतिबद्ध काव्य है। रीतिबद्ध का मतलब यह है जो रीत की परिपाटी में बद्ध होकर लिखा गया, जिसने लक्षण ग्रंथ की रचना की और उदाहरण समेत प्रस्तुत किया उसे हम कहते हैं रीतिबद्ध। और रीतिबद्ध में जो कवि आते हैं वो कौन कौन से कवि हैं आप जानते हैं? चिंतामणि केशव, मतिराम देव, रसलीन, मुबारक बिलग्रामी, जान नियामत खां, तोस कवि, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, और उसके बाद आप देखेंगे पद्माकर, याकूब खां, सूरत मिश्र, सोमनाथ और दूल्हा ग्वाल, प्रताप शाही, ये लोग किस में आते हैं? रीतिबद्ध में आते हैं। यानी इन्होंने लक्षण देकर ग्रंथों की रचना की जिससे वो सीखने में काम आए, राजा महाराजाओं को, उनके बच्चों को जानकारी। नमस्ते ऋचा पांडे, नमस्ते नमस्ते। उसके बाद आते हैं रीति सिद्ध। रीति सिद्ध का मसला ये है कि रीति सिद्ध में उन्होंने उदाहरण देकर उतना प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन लक्षण इनके अंदर पाए गए। और रीति सिद्ध कवि में आप आएंगे कौन कौन, बताइए, बताओ बताओ कौन कौन आएगा? रीतिबद्ध में कौन कौन आएगा आप लोग जरा बताइए। ऋचा पांडे हैं, बिहारी, बिहारी सेनापति है ना, कृष्ण कवि, बेनी, ये सब किस में आएंगे? रीतिबद्ध में आएंगे। और रीतिमुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, बुंदेलखंडी, ये लोग आएंगे रीतिबद्ध में, है ना। और रीत इतर एक होता है, रीत इतर मतलब रीत से इतर, उस समय के राजा कुछ लेखक जो थे, कुछ कवि जो थे, इन सब में किसी में नहीं आते थे। वो वीर काव्य लिखते थे, नीत काव्य लिखते थे, भक्ति काव्य लिखते थे। तो वीर काव्य और नीत काव्य वाले भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई समस्या?